द अदर मैथड इज टाइम स्टडीज इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉप वॉच स्टडी ये हम यूज़ करते हैं टू डिवेलप लेबर स्टैंडर्ड टाइम ये जैसे मैंने बताया कि फ्रेडरिक टेलर ने एटीन एटी वन के अंदर ये uh, प्रपोज किया था मैथड कि इससे हम स्टैंडर्ड्स uh, डिवेलप करें इट uh, इन्वॉल्व टाइमिंग सैंपल ऑफ ए वर्कर फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक वर्कर काम कर रहा है तो उसके टेन uh, टाइम्स उसने वो सेम जॉब रिपीट किया है तो उसको हम स्टॉप वॉच के ज़रिए हम उसका टाइम करते हैं कि जी ये uh, हर वर्क का एलिमेंट कितने टाइम के अंदर वो परफॉर्म कर रहा है, और फिर उसको यूज़ करके हम स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं एलिमेंट से क्या मुराद है Uh, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी व्हील uh, चेंज uh, करने की टायर uh, चेंज करने की कार uh, के तो उसके अंदर टास्क कंप्लीट जॉब इज चेंजिंग द टायर ऑफ ए कार अब उसको हम डिफरेंट वर्क एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं हर वर्क एलिमेंट का स्टार्ट और फिनिश होता है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी वन वर्क एलिमेंट इज के ट्रंक में से टायर और जैक ये निकालना अब इसका बिल्कुल स्टार्ट है कि ट्रंक खोलेंगे दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट उसमें से फिर टायर और ट्रंक वो निकाल कर रखेंगे और ट्रंक को बंद करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट एलिमेंट हो गया नेक्स्ट एलिमेंट इज कि हमने नट्स लूज करने हैं टायर के तो हमने टायर के नट्स लूज़ किए ये कंप्लीट कर दिया पांचों नट्स हमने लूज कर दिए हमने जैक लगाकर उसको रेज किया तो ये हमारा एक और एलिमेंट आ गया कि जैक से कार को रेस किया फिर हमने वो नट्स उतारे और उसका टायर रिमूव करना है और दूसरा टायर उसकी जगह नया लगाना है तो ये हमारा एक और वर्क एलिमेंट हो गया फिर उसके नट्स टाइट करने हैं वो जैक को लोअर करना है और फिर ये सारा सामान वापस ट्रंक में रखना है तो ये तीन डिफरेंट वर्क एलिमेंट्स हो गए तो ये एक लट से वर्कर है वो ये परफॉर्म करता है पूरा पूरा जॉब अब ये डिफरेंट वर्क एलिमेंट्स हैं आप हर वर्क एलिमेंट का टाइम आप नोट करते जाएंगे ये पूरे उस जॉब का नहीं हर वर्क एलिमेंट का सेपरेटली और वो ये दस टायर्स चेंज करता है तो दस टाइम आपने हर वर्क एलिमेंट का टाइम नोट करना ठीक है, है? आ, तो इसके अंदर आप आ, इस तरह इसका स्टॉप वॉच के जरिए यू विल डिटरमिन द एग्जैक्ट टाइम्स ऑफ ईच वर्क एलिमेंट बट हर टाइम पर उस वर्क एलिमेंट का टाइम सेम नहीं होगा कभी थोड़ा ज्यादा होगा थोड़ा कम होगा तो वो उनको सबका फिर आपने एवरेज लेंगे तो आपका एवरेज ऑब्जर्व टाइम आ जाएगा अच्छा इसके अंदर क्योंकि ये वर्क ये स्टॉप वॉच स्टडी है तो इसके अंदर एक्सपीरियंसड ऑब्जर्वर की जरूरत होती है क्योंकि उसने ये भी ऑब्जर्व करना होता है कि जो वर्कर है वो काम कर रहा है वो कहीं जानबूझ के स्लो तो नहीं कर रहा वो ज़्यादा तेज़ करने वाला तो नहीं है तो उसका भी उसने अंदाज़ा करना होता है तो वो एक एक्सपीरियंस के साथ ही वो आता है वो वैसे आप आ, बुक्स के अंदर नहीं सिखा सकते कि किस तरह आपने जज करना है कि ये काम तेज़ कर रहा है या स्लो कर रहा है आ, और ये चीज़ वर्क से पहले हम सेट नहीं कर सकते देर इज़ अनदर मैथड जो वर्क से पहले हम उसको आ, कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेवलप कर सकते हैं बट ये वर्क के दौरान हम ये स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे वर्क स्टैंडर्ड कैन बी डेवलप लेबर स्टैंडर्ड कैन बी डेवलप्ड फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेप्स पहले तो हमने टास्क डिफाइन करना है कि जी टास्क क्या है उसका स्टार्टिंग और एंड क्या है ठीक है वो पूरा कंप्लीट हमें आइडिया होना चाहिए जैसे मैंने एग्जांपल टायर की दी उधर स्टार्टिंग और कंप्लीट हमने एक पूरे टास्क का किया कि टायर ट्रंक से निकालना स्टार्टिंग पॉइंट है और ट्रंक में वापस रखना एंड uh, पॉइंट है uh, ट्रंक को जब हम क्लोज कर रहे हैं uh, फिर इस टास्क को हमने डिवाइड करना है इनटू प्रिसाइज एलिमेंट्स हर एलिमेंट का अपना स्टार्ट और फिनिश हो सो दैट यू नो कि कब आपने स्टॉप स्टार्ट करना है और कब आपने उसको स्टॉप करना है. Uh, फिर ये आपने डिसाइड करना है कि कितने साइकिल्स आपने ऑब्जर्व करने कितने टाइम उसको ऑब्जर्व करना है जॉब को फिर उसका एलिमेंट का टाइम आपने रिकॉर्ड करना है फिर उसकी परफॉर्मेंस को भी रेट करना है अच्छा परफॉर्मेंस को आपने पूरे टास्क के लिए रेट नहीं करना ईच एलिमेंट के लिए रेट करना है हो सकता है कोई वर्कर जो है वो नट्स लूज करने में और टाइट करने में बहुत तेज काम करता हो लेकिन टायर को एडजस्ट करना उसके अंदर लगाना कार में वो उसके अंदर उसको प्रॉब्लम होती हो तो किसी एलिमेंट में वो बेहतर होगा किसी एलिमेंट में इतना अच्छा नहीं होगा देन यू कंप्यूट एवरेज साइकिल टाइम और उसके बेसिस के ऊपर जो ये है दैट इज टोटल टाइम्स आपने जो ऑब्जर्व किए एक एलिमेंट के उसके दस बार किया तो दस आपने उसको सम किया उस एलिमेंट के स्पेशली लट से जैक uh, रेस uh, करना तो कितना टाइम लगा पहली बार फिर दूसरी बार जब ऑब्जर्व किया तो कितना लगा तीसरी बार किया तो कितना लगा एंड सो ऑन और उसका आपने टोटल करके टेन से डिवाइड किया तो आपके पास एवरेज uh, टाइम आ गया तो टेन साइकिल्स किए तो टेन से आपने डिवाइड कर लिए जितने भी साइकिल्स करेंगे उतना आपने उससे डिवाइड कर लेना नाउ परफॉर्मेंस रेटिंग और नॉर्मल टाइम आपने करना है नॉर्मल टाइम बेसिकली इट इज़ आपने जब एवरेज ले लिया एलिमेंट का ठीक है टाइम का ऑब्जर्व टाइम जो था उसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसके परफॉर्मेंस रेटिंग से परफॉर्मेंस रेटिंग इज बेसिकली कितना परसेंट फास्टर काम कर रहा था कितना परसेंट स्लोअर काम कर रहा था अगर रेटिंग पॉइंट है तो दैट मीन्स ही वॉज 85 फाइव परसेंट स्लोअर देन एन एवरेज नॉर्मल पर्सन डूइंग सेम कंप्लीटिंग सेम वर्क एलिमेंट इसी तरह अगर से उसको देते हैं 1.10 पॉइंट वन जीरो परफॉर्मेंस रेटिंग दैट मीन्स द वर्कर वॉज टेन परसेंट फास्टर देन अ नॉर्मल एवरेज वर्कर इन परफॉर्मिंग द सेम वर्क एलिमेंट तो वो इससे हम मल्टीप्लाई कर कर हम उसका जो नॉर्मल टाइम डिटर्मिन कर लेंगे फिर हर वर्क एलिमेंट का नॉर्मल टाइम जो है जो हमने डिटर्मिन किया उसको है उसको सम करके टोटल करते हैं एंड देन वी कंप्यूट द स्टैंडर्ड टाइम और उसके अंदर स्टैंडर्ड टाइम इज़ टोटल नॉर्मल टाइम जो पूरे टास्क का है सारे वर्क एलिमेंट्स का ऐड करके आपने टास्क का फाइंड किया है उसको फिर हम डिवाइड करते हैं वन माइनस अलाउंस फैक्टर अलाउंस फैक्टर इज आल्सो इन फ्रैक्शन इट इज पॉइंट वन थ्री पॉइंट वन फाइव पॉइंट टू डिपेंडिंग अपॉन के उसको कितना आपने अलाउंस देना है फॉर हिज पर्सनल नीड्स उसको मीट करने के लिए फॉर अगर उसका कोई फिजिकली बहुत टफ जॉब है तो उसके अंदर आपने उसको रेस्ट का टाइम देना एंड सो वन तो उस बेसिस पर हम अलाउंस फैक्टर डिटरमिन करते हैं और उसमें से फिर उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर कर वो टोटल नॉर्मल टाइम को उस पर डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है